अखिल भारतीय शास्त्रीय खंगार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में इस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कप्तान सिंह जी, इस समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र खंगार जी, समाज के मुख्य संरक्षक दौलतराम खंगार जी, लव शर्मा जी, प्रतिपक्ष के नेता नगर निगम कोटा बूंदी शहर भाजपा के अध्यक्ष महावीर खंगार जी, मैं क्षत्रिय खंगार समाज की वीरता, शूरता, शौर्य, अद्भुत साहस को प्रणाम करता हूं। जब हम क्षत्रिय खंगार समाज के उस वीरतापूर्ण गौरव इतिहास को पढ़ते हैं कि किस तरीके से खंगार समाज ने जय महाराजा खेत सिंह खंगार और कितने ही राजा महाराजा हुए उनके नेतृत्व में भी, सेनापति के रूप में भी, उस समय एक वीर योद्धा के तरह एक गौरवपूर्ण इतिहास समाज का रहा है। जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के पहले योद्धा रानी लक्ष्मीबाई के पहले सेनापति योद्धा थे तो वह खंगार समाज के थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरुआत। उनका गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है और जिन पर कुलदेवी मां गजानन की आशीर्वाद हो, जिनके हाथ में युद्ध कौशल की कला हो, वीरता हो, शौर्य हो, उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है, नई शक्ति मिलती है कि हमारे गौरवशाली इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा हुए, योद्धा हुए, जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़कर वीरता का इतिहास रचा। और वीरता का इतिहास केवल हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। कह रहे तो समय था कि हम कहां तक हमारा देश था उसके इतिहास में जाएंगे तो हमें लगेगा कि इतना बड़ा देश हमारा था। कई बार कई योद्धाओं के आक्रमण, योद्धाओं के कारण हमारी संस्कृति को आक्रमण कर खत्म करने का प्रयास किया, आक्रमणताओं ने धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यही समाज के योद्धा थे जिन्होंने संस्कृति को बचाया, धर्म की रक्षा करने का काम किया और अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा को जीवंत रखने का काम किया। आज भी मैं देखता हूं जहां जहां भी समाज के लोग रहते हैं उसी गौरवशाली परंपरा से, समर्पण से देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम करते हैं।
समाज के रक्षक के रूप में खड़े रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ये गौरवशाली इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है और जिनके पूर्वज गौरवशाली हो, वीर हो, योद्धा हो, उनकी पीढ़ी भी इसी तरीके की होती है। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं, समाज के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ताला हमारे बीच में नहीं रहे, नहीं तो वह भी लगातार इस समाज की सेवा करने का काम वर्षों तक उन्होंने किया। आज उनके पुत्र उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हमें समाज में सामाजिक परिवर्तन करना है, समाज में सामाजिक आर्थिक नए युग की शुरुआत करनी है। हमारी शिक्षा हर महिला तक पहुंचे, हर बच्ची तक पहुंचे, ताकि महिला शिक्षा के माध्यम से हम एक समृद्ध समाज बना सके, समृद्ध देश बना सके। हमारे समाज का बच्चा युवक युवती अगर पढ़ी लिखी होगी, देश और समाज में नेतृत्व करेगी। इसलिए सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी आवश्यक है कि जो हम सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आयोजन करते हैं उसमें धन का अपव्यय तो बचता ही है, उसके साथ साथ समाज की सामूहिक एकता का प्रकटीकरण भी होता है। एक छत के नीचे सारे समाज के लोग रहते हैं, उनके साक्षी में वर वधु का शादी का परिणय संस्कार होता है। मैं उन वर वधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, समाज के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है ये समाज इसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू करेगा और हमारे समाज में धन के अपव्यय को रोकना, सामाजिक कुर्तियों को समाप्त करना, सामाजिक सामूहिकता से साथ काम करना और हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक कमजोर लोगों को उठाकर समान करना, इन संकल्पों के साथ हम यहाँ से जाएंगे। आप सभी को आज के सामूहिक विवाह के सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर वधु को बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को बधाई और वर वधु यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे इस समाज के गौरवशाली इतिहास का समर्पण, सेवा, त्याग और सबको परिवार को साथ लेकर चलने का। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।